मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा अपने अलग अंदाज और कामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर ऊर्जा मंत्री का एक नया और अनोखा अंदाज देखने को मिला। ग्वालियर शहर के घोसीपुरा इलाके में निरीक्षण के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के पैर दबाते हुए नजर आए हैं। इसके बाद हर कोई ऊर्जा मंत्री के इस अंदाज को देखकर दंग रह गया और बुजुर्ग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। दरअसल प्रद्युम्न सिंह तोमर जिस बुजुर्ग कांग्रेसी नेता के पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं, वो घोसीपुरा क्षेत्र के रहने वाले 85 साल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा हैं और उम्र के इस पड़ाव के चलते बीते कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने रूटीन निरीक्षण पे घोसीपुरा इलाके में पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें बुजुर्ग नरेंद्र शर्मा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, जिसे सुनकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सीधे कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा के घर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। बुजुर्ग नरेंद्र शर्मा ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से कहा कि उम्र ज्यादा होने के साथ अब पैरों में दर्द ज्यादा रहने लगा है, जिसे सुनकर मंत्री तोमर ने उनके पैर दबाना शुरू कर दिया। ये लाइट क्यों नहीं है भाई? कल से मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। मैंने कल भी आपको फोन किया था, ध्यान हो, ये घोसीपुरा डीआरपी लाइन है, कौन है इसका जिम्मेदार? पेड़ गिर गया, आज क्या गिर गया? कल सारा दिन बंद रही है, रात को 10 बजे आई है, फिर सुबह गायब है। ऊर्जा मंत्री जब बुजुर्ग के पैर दबा रहे थे, तब उनके घर की लाइट नहीं होने पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मंत्री ने जब आसपास के खड़े लोगों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि लाइट कल से ही नदारद है। ऐसे में मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को बुजुर्ग के घर के साथ आसपास के घरों में लाइट चालू करने के निर्देश जारी किए। मैं मुंशी पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ खड़ा हूँ, जब वो अधेड़ उम्र के थे तब मैं शुरुआत, मेरे रेखे नहीं आई थी जब मैंने राजनीतिक शुरुआत की थी, उस समय से उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपने कंधों पर बैठाल करके मुझे इस राजनीति की सिड्डी तक पहुँचाया। आज वो अस्वस्थ थे तो मैं उनके घर गया, उनकी भले ही 2 मिनट का वक्त मिला, उनकी सेवा की, उस सेवा में बड़ा आनंद मिला और सेवा से उनके से जो दुआ निकली, जो उनका आशीर्वाद निकला, इससे मुझे नई ऊर्जा मिली और नई ऊर्जा के साथ काम कर लोगों की सेवा करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की राजनीति कांग्रेस पार्टी से ही शुरू हुई थी। बाद में वो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। फिर भी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर दलगत भावना से ऊपर उठकर इस तरह के अंदाज में हमेशा नजर आते हैं, जो उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखता है। TV9 MPCG के लिए ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।